हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कैसे करें और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैसे करें इसके बारे में जानकारी देंगे। अगर आप अपने एक क्रेडिट कार्ड का के बिल का पेमेंट करने के लिए अपने दूसरे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखकर इसे आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट करने के कई ऑप्शन होते हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग आदि के माध्यम से आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दूसरे क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैसे करें इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आप अपने एक क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप सीधे नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ तरीकों का इस्तेमाल करना होगा जिसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊँगा। दोस्तों, आप तीन तरीकों से किसी एक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हुए आप दूसरे क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये तीन तरीके हैं, बैलेंस ट्रांसफ़र या फिर कैश के माध्यम से आप कर सकते हैं या फिर ई वॉलेट के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें बैलेंस ट्रांसफ़र के माध्यम से आप एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड के बिल की आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं तो आप बैलेंस ट्रांसफ़र सुविधा के माध्यम से अपने एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करके उसे आसान मंथली किस्तों में चुकाने का ऑप्शन आप चुन सकते हैं। दोस्तों, ये ऑप्शन आपके तब काम आता है जब आपके किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड में बकाया बिल बहुत अधिक हो जाता है और आपको उस पर अधिक ब्याज दर चुकाना पड़ता है। दोस्तों, आप इस सुविधा के माध्यम से दूसरे क्रेडिट कार्ड के बिल को अपने ऐसे क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिस पर आपको कम ब्याज दर पर आसान मंथली किस्तों में चुकाने का ऑप्शन प्राप्त होता है। दोस्तों, बैलेंस ट्रांसफ़र सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। दोस्तों, बैलेंस ट्रांसफ़र करते वक्त आपको ये देखना होता है कि आप जिस क्रेडिट कार्ड में अपने दूसरे क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका ब्याज दर कम हो। यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि बैलेंस ट्रांसफ़र सुविधा का उपयोग करने पर आपका क्रेडिट स्कोर इफेक्ट होता है। दोस्तों, बैलेंस ट्रांसफ़र सुविधा का उपयोग करने पर आपको ट्रांसफ़र किए गए अमाउंट पर 3% से लेकर 5% फीस का पेमेंट करना पड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि बैलेंस ट्रांसफ़र सुविधा का लाभ उठाते वक्त आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो आपके क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बात करें कैश के माध्यम से एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कैसे करें तो जैसा कि आप जानते होंगे कि क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता के द्वारा आपको कैश मोड से भी अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाता है। इसके माध्यम से आप अपने क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता बैंक की नज़दीकी ब्रांच में जाकर आप कैश में भी अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि आपको कैश के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करने के लिए आपको 100 रुपये का फ़ी देना पड़ता है। दोस्तों, आप अपने दूसरे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एटीएम का उपयोग करते हुए कैश विड्रॉल सुविधा का आप लाभ उठा सकते हैं। एटीएम से निकाले गए पैसों के माध्यम से आप अपने क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता बैंक की ब्रांच में जाकर अपनी दूसरी क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें ई वॉलेट के माध्यम से एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट आप कैसे करें तो आप अलग अलग पेमेंट ऐप की ई वॉलेट सुविधा से भी अपने एक क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट अपने दूसरे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको किसी पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराने वाले ऐप जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आदि को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आप ई वॉलेट में फंड जोड़ने का ऑप्शन आप चुन सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको अपने ई वॉलेट में अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करके पैसे जोड़ने होंगे। सक्सेसफुली अपनी ई वॉलेट में पैसे जोड़ने के बाद आप ई वॉलेट के माध्यम से अपने दूसरे क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कैसे करें और इसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से बताया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स तक इसे ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।